बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो ये काम इलेक्शन कमीशन का था, लेकिन काजी फ़ैसा साहब की तरफ से बड़े ज़ोरदार तरीके से इंतखाबात का बिगल बजाया गया। बड़ा धूम धड़का था, बड़ा शोर शराबा था, लेकिन वो बिगल अब मादूम होता जा रहा है। उसमें पहले वाला दम खम नहीं है। काजी फ़ैसा साहब की तरफ से कह दिया गया था कि इस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी ने इंतखाबात के हवाले से बात करनी है कि इंतखाबात नहीं हो सकते या नहीं हो रहे, तो वो अपनी अहलिया के साथ बात कर सकता है, मीडिया पे बात करेगा, तो हम उससे पूछूंगा। ये काजी फ़ैसा साहब की तरफ से कहा गया था। उसके बाद फिर मीडिया में बिल्कुल ही खामोशी छा गई, लेकिन पूरे मुल्क में एक तरह से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ होता हुआ नज़र आया, लेकिन सियासी सरगर्मियों उस तरीके से शुरू नहीं हो सकें जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन कराने का ऐलान किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गाड़ी पर चढ़ गए, घोड़े पर चढ़ गए, या जिस पर भी जहाज़ पर चढ़ गए। खैबर पीके में वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, बड़े धांसू किस्म के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयान दे रहे थे। हत्ता कि उन्होंने अपने अब्बे को भी नहीं छोड़ा, कह दिया कि जो सतरे बहतरे हो चुके हैं वो मदरसे में बैठें, अपने घर बैठें, आराम करें। सियासत इनके करने का काम नहीं है, सियासत हम जैसे नौजवानों का काम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद को नौजवान समझते हैं, बाकी मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, खुद अपने अब्बाजी को और इमरान खान को बूढ़ा समझते हैं। कहते हैं कि ये बूढ़ों का काम नहीं है, बाबों का काम नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से सीनियर सियासतदानों को एक तरह से तज़हीक आमेज तरीके से मुखातब करने की कोशिश की गई, कोशिश नहीं की गई बल्कि उन्होंने ऐसा किया, उनको मुखातब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद साहब इस पर नाराज़ हुए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उन्होंने ज़रा थोड़ी सी खुंब ठप दी। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने जो कुछ कहा कि मेरा पुत्र तो इतना तजर्बाकार नहीं है, तजर्बा तजर्बा होता है, ये नौजवान है तो इसको क्या पता कि सियासत क्या होती है। उससे पहले आसफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से कहा गया था कि मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, लेकिन जब उसने कहा कि बाबे सियासत छोड़ें, कोई और काम करें, मदरसे में बैठें, पाकिस्तान के लिए, अपनी सेहत के लिए दुआ करें, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये बात लड़ गई। हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने अपना इंटरव्यू अरेंज किया, तो उसमें वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी बड़ा चढ़े दौड़े। मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी खबर ली, शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बातें की, तो मियाँ नवाज शरीफ का तो उन्होंने ख़ुद को मुतबादल बनाकर पेश किया। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कुछ आसफ अली ज़रदारी साहब ने उनके बारे में कहा था, इस पर गुस्सा खा गए और पाकिस्तान से बाहर दुबई में चले गए। वर्कर्स कन्वेंशन बीच में छोड़कर बात हमने शुरू की थी कि इंतखाबात जिस तरह से बिगल बजाया गया था उस तरह का अब उसमें दम खम नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मामला शुरू किया था, सिलसिला शुरू किया था। पीटीआई को तो वैसे ऐसे वर्कर्स कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून वाले ठंड रख के बैठे हुए हैं, शायद उनको ये पता चल गया है कि इंतखाबात नहीं होने, या फिर होने हैं तो फिर हमारी कामयाबी तो आसमानों को छू रही है, आसमानों पर बोल रही है। सबको नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से मामलात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मामलात तय हो रहे हैं, तय हो चुके हैं, उसे यही नज़र आता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बनेंगे मैंने नहीं कहा, बन सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी बात यह होती है, ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बंदे को इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन ना लड़ें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह चौथी बार इन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, कोई अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये राना सनाउल्ला साहब की तरफ से कहा गया। वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब सरदस्त तो अहलियत ही नहीं रखते इलेक्शन लड़ने की, अगर उनको इजाज़त दे दी जाती है, इस पर भी हम बात करते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंतखाब लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ने से ही सिर्फ काम नहीं हो जाता, इलेक्शन में जीतना भी होता है। इलेक्शन में जीतने के बाद ही आप मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली बनते हैं, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और वज़ीर मुशीर, वो भी आप जीतेंगे तो बनेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जीतना आजकल
कितना ज़्यादा खौफनाक हो चुका है। ये मुस्लिम लीग नून के मुखालफ तजियाकार ऐसी बातें करते हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में गुंजाइश मौजूद नहीं है। लाहौर ये मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। बहरहाल ये तो एक अमूमी सोच है, आमतौर पर यह कहा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से, मुस्लिम लीग लाहौर से बिल्कुल ही सफन साफ हो जाएगी, बिल्कुल ही रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोई इसका उम्मीदवार नहीं जीतेगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर से अगर पहले 10 सीटें जीतती थी, मसलन मैंने कहा है, अगर पहले 10 सीटें जीतती थी तो अब मुस्लिम लीग नून 4-5 जीतने के ज़रूर काबिल है। अगर इन लोगों की राय को मान लिया जाए जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग का लाहौर से खात्मा हो चुका है, इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून 10 में से, अगर आप 20 कहते हो तो 20 में से 8-9 और 10 में से 4-5 सीटें ज़रूर जीत लेगी, ज़रूर निकालेगी, तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का सफाया नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सीट मुस्लिम लीग नून के लिए महफूज है जिस पर यकीनी इनकी जीत है, कुछ हारेंगे भी जीतेंगे भी, तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए कहां से इलेक्शन लड़ना सूदमंद होगा। तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कुछ हलके कह रहे हैं और कुछ मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी भी कह रहे हैं, एंकर भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन लड़ेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन लड़कर जीत जाएंगे, मरी के उस हल्के से जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हारते रहे, जीते भी हैं, पिछली दफ़ा हार गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जहाँ से हारते भी रहे हैं, जीते भी रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ से हार भी गए थे, तो इस हल्के से मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा किया जा रहा है, या मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर शाहिद खाकान अब्बासी के हल्के से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो कहीं और से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ें, लाहौर से लड़ें, किसी और जगह से लड़ें, तो वहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन मरी के हलके से जो शाहिद खाकान अब्बासी का हलका है, इससे मियां नवाज शरीफ साहब अगर इंतखाब लड़ते हैं तो 200% मियां नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे। इसलिए हार जाएंगे, जिस हलके से आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने इन्हीं हलकों से 2 सीटें हार गए थे, तो उनको जिताने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब उनको लाहौर ले आए। लाहौर से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पूरी ताकत उनके साथ थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस सीट पर मियां नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? इसलिए हार जाएंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हैं। ये सीट महफूज हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी भी मियां नवाज शरीफ का साथ दें, तब भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मियां साहब जीत जाएंगे, क्योंकि यही सीट जैसे शाहिद खाकान अब्बासी खुद भी हार चुके हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये इनकी पक्की सीट है। बहरहाल अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब का साथ दे दे तो मियां नवाज शरीफ के पल्ले कुछ न कुछ पड़ सकता है, जीत भी सकते हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मियां नवाज शरीफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं और मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द इस सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बल्कि उनकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि वो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। साथ वो ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत अभी ख़त्म नहीं हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत अगर आप ये समझते हैं कि नाअहलियत मियां नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हो गई है तो वो बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या वो मियां नवाज शरीफ का वहाँ पर साथ देंगे? और उनकी अहलिया की तरफ से जो सेनेटर हैं, क्या कहा जाता है, वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून से इन लोगों की राहें तकरीबन जुदा हो चुकी हैं, लेकिन बाकायदा भी मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान नहीं किया गया, जो किसी वक्त भी मतवक्को है। अगर ऐलान नहीं किया जाता तब भी ये नज़र आ रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और उनका ख़ानदान मियां नवाज शरीफ की मरी वाली सीट से हमायत नहीं करेगा। हमायत करेगा तब भी इतना इम्कान नहीं है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कौन सी सीट ऐसी हो सकती है जिस पर मियां साहब जीत सकते हैं, आसानी के साथ जीत सकते हैं? वो एक सीट है हल्का 118 ननकाना साहब, वहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब जीत सकते हैं, आसानी के साथ जीत सकते हैं। ये सीट 2018 में पीटीआई के ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की तरफ से जीती गई थी। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब अब भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो जीत भी सकते हैं अगर उनके मुकाबले में शजरा मनसब साहिबा, जो राय मनसब खान की बेटी हैं, राय मनसब खान इस सीट से कई दफ़ा
जीत चुके हैं, कई दफ़ा हारे भी हैं। इनके मुकाबले में भट्टी बरादरान हुआ करते थे, राय मनसब खान साहब ने ये सीट जीती थी, तो 2013 के इंतखाबात में वो जीते थे। इसी दौरान असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले राय साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी बेटी शजरा मनसब ने इंतखाब में हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शजरा मनसब साहिबा जीत गई। लेकिन 2018 के इंतखाबात में शजरा साहिबा ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के हाथों शिकस्त खा गई। उसकी क्या वजह थी वो सबको पता है कि PTI के उन दिनों किस तरह से हवा चली हुई थी, तो इसी हवा में ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब भी जीत गए। हवा ना भी चली होती तो फिर भी एजाज शाह साहब का ही जीतने का इम्कान था। शजरा मनसब भी जीत सकती थी, लेकिन एजाज शाह साहब यहाँ से जीत गए थे। इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही सख्त था तीन उम्मीदवारों के दरमियान, ब्रिगेडियर एजाज शाह, शजरा मनसब साहिबा और उनके साथ साथ तहरीक लबैक के अफजाल शाह साहब। अफजाल शाह साहब दो सीटों से बयक वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ए सीट से 118 से और दूसरा राणा तनवीर के मुकाबले में भी वो खड़े थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए थे, वो ए सीट से 118 हल्का से तीसरे नंबर पर आए थे, जबकि राणा तनवीर के मुकाबले में वो दूसरे नंबर पर आए थे, तो उनके मजमूई वोटों की तादाद किसी भी एक उम्मीदवार से ज़्यादा थी। अफजाल शाह साहब जब शुरू में रिजल्ट आ रहे थे तो सबसे आगे थे हल्का 118 में, लेकिन उसके बाद फिर इनकी बर्तरी कम होती गई, ब्रिगेडियर एजाज शाह की बर्तरी ज़्यादा होती गई और आखिरकार ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब इस सीट से जीत गए। अब क्या सूरत हाल है, अब किस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये सीट इंतहाई ज़्यादा महफूज हो सकती है? वो इस तरह से कि पाकिस्तान में होने वाले जितने भी सर्वेज सामने आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से करवाया गया सर्वे, गैर जानबदार अदारों से लोगों की तरफ से करवाए गए सर्वेज, हर एक सर्वे में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आगे नज़र आती है, जबकि पीपल्स पार्टी सबसे नीचे बिछी हुई पस्ती में गिरी हुई नजर आती है। बात हम कर रहे हैं कि जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ कहीं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आगे है, लेकिन एक सर्वे ऐसा हुआ है जिसमें तहरीक इंसाफ आगे है, लेकिन ननकाना साहब में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बताई गई है 33% और PTI की मकबूलियत बताई गई है 32%। पूरे पाकिस्तान में जितने भी सर्वेज हुए हैं, बेशक वो गरीदा फारूकी साहबा की तरफ से करवाए गए हैं, मतीउल्लाह जान ने करवाए हैं या जिसने भी करवाए हैं, मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं, सब में तहरीक इंसाफ बहुत आगे थी। लेकिन ये जो सर्वे आखिरी हुआ है इसमें सिर्फ एक ज़िला में, वो ननकाना साहब है, वहाँ पर यह बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून की थोड़ी सी तहरीक इंसाफ पर बर्तरी है। तो ये बर्तरी किस तरह से हो गई, इसी हलके में मौजूद हैं आमर मलिक साहब। आमर मलिक से मेरी बात हुई है, वो ब्रिगेडियर एजाज शाह के 2018 के इंतखाबात में साथ थे। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया जाता है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की तरफ से। जैसे तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से इस्तीफे दे दिए थे, हर MNA की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया था, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की तरफ से भी इस्तीफ़ा दिया गया था, तो फिर इमरान खान इस सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आए थे। इनके मुकाबले के लिए शजरा मनसब साहिबा थी, लेकिन वो इंतखाबात नहीं हो सके थे। तो इन इंतखाबात में आमिर मलिक, जो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के साथ हुआ करते थे 2018 में, जब ये ज़मीनी इंतखाब होने लगे तो वो शजरा मनसब के साथ थे। उनसे मैंने बात की कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वो आपके सामने रखते हैं। PTI की मकबूलियत इसी वजह से कम हो गई है, यहाँ के जो PTI के कैंडिडेट हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, उसके उनके जो जवान साला दो भाई थे ना, जो इधर सियासत में एक्टिव हल्के में एक्टिव थे वो फौत हो गए हैं। और अब ब्रिगेडियर साहब चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो यहाँ का जो हल्का है इसमें इन नहीं है। डॉक्टर शजरा मनसब हल्के में इन है, वो वर्क कर रही है। शजरा मनसब के जीतने की वजह ये है, आगे जाने की वजह ये है कि ब्रिगेडियर साहब हल्के में आ नहीं रहे, और ब्रिगेडियर साहब के जितने धड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के साथ मिल गए हैं। तो ये आपने सुन लिया कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की पहले जैसी मकबूलियत सिर्फ इस वजह से नहीं रही कि उनके दो भाई इसी दौरान वो इंतकाल कर चुके हैं, भाई भाइयों की बाहें होते हैं। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का यूं समझ लें कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है सियासी तौर पर, इनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। ये अमूमन लाहौर में होते थे या इस्लामाबाद में होते थे, सारे के सारे सियासी मामलात उनके भाई पप्पू शाह के पास हुआ करते थे। वो इंतकाल कर गए, इनके दूसरे भाई भी इंतकाल कर गए, तो उसके बाद एजाज शाह साहब की सियासी पोजीशन कदरे
कमजोर हो चुकी है, जिसका इजहार इस सर्वे से भी होता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी बढ़तरी नजर आती है। हमने इसी बुनियाद पर, इसी सर्वे की बुनियाद पर यह कहा है कि वहां से मियां नवाज शरीफ साहब आसानी के साथ जीत सकते हैं। वैसे ब्रिगेडियर एजाज शाह और शजर अमन सब के माबैन जो मुकाबला होगा, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन जीतेगा। दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े ही ताकतवर उम्मीदवार हैं, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर चले जाएंगे तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो भी है, आपको उनके साथ जैसा भी सियासी इख्तलाफ है, लेकिन उनकी एक अपनी पहचान है, अपनी एक ज़ाती हैसियत है, उनकी अपनी शख्सियत है, तो उनके मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल के जितना भी उस इलाके का बड़ा लीडर आ जाएगा वो मियां नवाज शरीफ साहब को मात दे सकेगा। ये तो मेरी राय हो सकती है, तो मेरी राय ज़रूर नहीं है कि बिल्कुल दुरुस्त हो, इसके बरक्स भी कुछ हो सकता है। और देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस हलके से इलेक्शन लड़ते हैं और इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। मियां नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी तक और उसके बाद पाकिस्तान में रहेंगे या लंदन चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।